खबर दिल्ली से है, जहां पर संसद की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला। बताते चले आपको कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अर्जी पर सुनवाई हो रही है। पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो बताते चले आपको कि आज पटियाला हाउस कोर्ट ये सुनवाई करेगा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से संसद की सुरक्षा में चूक हुई, उस चूक के बाद तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनको न्यायिक हिरासत में रखकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और इसी के साथ ही आज पटियाला हाउस कोर्ट में ये सुनवाई होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, कितनी देर में ये सुनवाई होगी और अर्जी किस प्रकार से दाखिल की गई, मीन्स की अर्जी में क्या कुछ सम्मिलित किया गया है? बिल्कुल, अगर बात करें थोड़ी देर में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। संसद की सुरक्षा के चूक का ये पूरा मामला है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अर्जी पर ये सुनवाई होने वाली है। पटियाला हाउस कोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इन सभी छह आरोपी, जिसमें सागर शर्मा की बात करें, नीलम आजाद की बात करें, महेश कुमावत की बात करें, इन सभी आरोपियों की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की जो मांग है, जो इजाजत है, वो कहीं ना कहीं कोर्ट डे इसको लेकर कहीं ना कहीं एक अर्जी दिल्ली पुलिस की ओर से बकायदा स्पेशल सेल की ओर से लगाई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में जब थोड़ी देर में सुनवाई होती है दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, तब इस पूरे मामले में कोर्ट की ओर से क्या कुछ टिप्पणी की जाती है और क्या वाकई में इनसे आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट करने की इजाजत दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिलती है या नहीं मिलती है। और इस पूरे मामले पर आज कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो होने वाली है। हालांकि दोनों ही पक्षों की दलीलें कोर्ट सुनेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं कोर्ट अपना फैसला दे सकता है, या यूं कहें कि अर्जी पर इजाजत दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, या सुनवाई के लिए कोई अगली तारीख भी इस दौरान दी जा सकती है। जी पीयूष, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत आज इस सुनवाई के दौरान पुलिस मांग सकती है, तो क्या अब तक इन सभी आरोपियों ने सच नहीं बताया है और इन आरोपियों से पूछताछ में क्या कुछ सबूत निकल कर सामने आया कि क्या ये पहले से साजिश रची गई थी या फिर एकाएक इन्होंने ये काम इसको अंजाम दिया है, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ पाई है पूछताछ के दौरान? देखिए, अगर हम बात करें तो जो भी पूछताछ होती है आमतौर पे गोपनीय होती है। जब भी पुलिस किसी आरोपी से पूछताछ करती है तो वो पूरी तरीके से गोपनीय होता है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये पूरा मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और यही कारण है कि पुलिस या जो जांच एजेंसियां हैं वो किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। पुलिस पूरी तरीके से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन आरोपियों के पीछे कौन सा संगठन था, क्या विदेश के लोग भी इसमें मौजूद थे, आखिर इन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम किस तरीके से दिया, क्या साजिश चल रही थी और इनके मन में क्या है। क्योंकि आमतौर पे जब पूछताछ होती है तो कड़ाई से ही पूछताछ होती है, तो कई बार जो आरोपी होते हैं वो इतने ट्रेंड होते हैं कि कई बार वो झूठ। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरा पीयूष ये जानकारी साझा करिए, जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो सभी यानी कि छह आरोपियों की कराने की बात कही जा रही है या फिर कुछ की? देखिए, अभी जो फिलहाल तो जानकारी मिल रही है कि सभी जो आरोपी हैं, चाहे सागर शर्मा की बात करें, नीलम आजाद की बात करें, महेश कुमावत की बात करें, इन सभी आरोपियों की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मांग जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है। और हालांकि आमतौर पे जब भी इस तरीके की मांग की जाती है तो कई पहलुओं पर कोर्ट भी देखता है और इतना आसानी से पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत भी नहीं। जी बिल्कुल 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 पीयूष, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपके पास लौटते